सुबह जी काउंटिंग छोड़ के जा रहे हैं क्यों, मतलब क्या काउंटिंग हो गया? हाँ, जनता जो जनादेश या फिर स्तरीय पंचायत की जो जनता ने वो हम स्वीकार है, सम्मान कर रहे हैं जी। तो उसको काउंटिंग का रिजल्ट नहीं आया, आप निकल के जा रहे हैं बाहर? देखिए, वैशाली सीट से आरजेडी प्रत्याशी सुबोध राय काउंटिंग के बीच में वहां से निकल गए। जब सवाल किया गया कि आखिर क्यों जा रहे हैं, तो उन्होंने हार को स्वीकार किया है। उस बयान को सुनिए, क्या कुछ कह रहे हैं सुबोध राय। सुबह जी काउंटिंग छोड़ के जा रहे हैं क्यों, मतलब क्या काउंटिंग हो गया? हाँ, जनता जो जनादेश या फिर स्तरीय पंचायत की जो जनता ने वो हम स्वीकार है, सम्मान कर रहे हैं जी। तो उसको काउंटिंग का रिजल्ट नहीं आया, आप निकल के जा रहे हैं बाहर? तो आपने सुना आरजेडी प्रत्याशी सुबोध राय को, जिन्होंने साफ तौर पे हार को स्वीकार किया है, बीच काउंटिंग से वहां से निकल गए हैं। बता दें कि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के भूषण राय जो वहां पे लड़ाई में थे, उम्मीदवार थे, एनडीए के उम्मीदवार थे, वो जीत गए। 2460 वोट उनके खाते में गई है और अभी काउंटिंग चल ही रही है, लेकिन जीत तय माना जा रहा है। बीच काउंटिंग से सुबोध राय वहां से निकल गए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जनता ने जो जनादेश दिया है उसका सम्मान करते हैं, जनता सर्वमान होती है। ऐसे में सुबोध राय वहां से निकल गए। सुबोध राय पिछली बार वहां से जीते थे, सदन के अंदर विपक्ष की भूमिका में, अहम भूमिका में रहते थे और नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी, बात की जाए राबड़ी देवी की विधान परिषद में, तो वो कहीं ना कहीं अब खतरे में दिख रही है, क्योंकि प्रतिपक्ष की कुर्सी तो पहले ही चली गई है, क्योंकि जो आंकड़े चाहिए होते हैं वो आंकड़े अब नहीं है। अब उम्मीद की जा रही थी कि जो अब चुनाव परिणाम आएंगे, राजद अच्छी खासी जीत कर परिषद में पहुंचेगी और एक बार फिर से प्रतिपक्ष की कुर्सी जो है राबड़ी देवी के पास होगी, लेकिन अब ये उम्मीद पे पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि एक के बाद एक कई झटके जो है सुबह से तेजस्वी यादव को, राबड़ी देवी को लगे हैं। बात वैशाली की कर रहे हैं, वैशाली में सिटिंग सुबोध राय की कुर्सी चली गई। बीच काउंटिंग से सुबोध राय वहां से निकल गए, अपने हार को स्वीकार किया है। यूं कहे तो वैशाली में चिराग पासवान की भी हार है, तेजस्वी यादव की भी हार है और करारी हार मानी जा रही है। भूषण राय जो एनडीए प्रत्याशी थे, चाचा पशुपति कुमार पारस, चिराग पासवान के चाचा, उनकी पार्टी के गुट जो दो गुट कहा जाता है, पारस गुट के उम्मीदवार थे, जिन्होंने विजय हासिल की है 2460 वोट लाकर। सुबह जी काउंटिंग छोड़ के जा रहे हैं क्यों, मतलब क्या काउंटिंग हो गया? हाँ, जनता जो जनादेश या फिर स्तरीय पंचायत की जो जनता ने वो हम स्वीकार है, सम्मान कर रहे हैं जी। तो उसको काउंटिंग का रिजल्ट नहीं आया, आप निकल के जा रहे हैं बाहर? हम हार स्वीकार करते हैं।